राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिग्विजय सिंह लगातार सफल बनाने के अभियान में जुड़ चुके हैं। वे एमपी में राहुल गांधी के आने से पहले लोगों को यात्रा से जुड़ने की अपील करते नजर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत राहुल गांधी देवास के सतवास पहुंचे और बीजेपी सरकार पर अपने बेबाक अंदाज में हमला बोला। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के संबंध में पूरे प्रदेश में बैठकों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सतवास नगर कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा असमानताओं में बदलाव लाने के लिए निकाली जा रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार के राज में हर वर्ग परेशान है। राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, क्यों निकाली जा रही है? इसके तीन कारण हैं। पहला, आर्थिक। क्या मोदी जी के राज में गरीब और गरीब नहीं हो गया, अमीर और अमीर नहीं हो गया, महंगाई नहीं बढ़ गई, बेरोजगारी नहीं बढ़ गई? जो असमानता हो रही है उसको कम करने के लिए हमें बदलाव की आवश्यकता है। दूसरा है, ये नफरत फैलाया जा रही है, धार्मिक के आधार पर हिंसा फैलाई जा रही है, जात धर्म के ऊपर संघर्ष किया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और आखिरी में, भारतीय संविधान में जो गरीबों के प्रति जो उसमें उल्लेख है, उसमें भी बदलाव लाने का ये प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि अनेकता में एकता ही भारत का एक स्वरूप है और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी। जात धर्म को अलग करो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दिग्विजय सिंह के दौरे के दौरान कांग्रेस नेता डॉक्टर ओम पटेल, मनोज होलानी, बंटू गुर्जर उनके साथ रहे। सतवास नगर कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह गौड़ ने मां नर्मदा का चित्र भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर वहीद खास सदर, मनोज राय, बाबूलाल गुर्जर, कपिल पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सतवास।